बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। हम 3 भाई हैं, एक दिल के 3 हिस्सों की तरह। अगर एक को कुछ हुआ तो दूसरे को भी तकलीफ होगी। अगर दोबारा कुछ ऐसा हो तो हमें जरूर खबर करना। ये खूबसूरत लड़की हमारी खिदमत करेगी। इसे यहीं छोड़ जाओ। तुम्हारा काम इंतजार फैलाना है दुश्मनों की सफों में। तुर्कों के खिलाफ सिपाहियों की सरबराही तुम करोगे। हम कोनिया जा रहे हैं अमीर बहाउद्दीन से महसूल के मसले पर बात करने। अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए तो मुझे जरूर खबर कर दीजिएगा, चाहे दुनिया के दूसरे कोने से आना पड़े, मैं आऊंगा। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए एक अच्छी खातून तलाश करने का वक्त आ गया है। तुम्हारे भाई को अपने जुर्म की सजा जरूर भुगतना होगी ताकि नदामत हो अपने किए पर और वो माफी मांगे। ये मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हारा इंतकाम जरूर लूंगा भाई। उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये किया। वालिदा, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो अर्तुरुल। आमीन वालिदा। अल्लाह की अमान में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह की अमान में रहें बाबा। शुक्रिया बेटा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो भाई। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। सुरखुरू होकर लौटे भाई। बहुत शुक्रिया। बाबा, आपके जाने से कबल आपकी दस्तबोसी करना चाहता हूं मैं। अल्लाह से माफी मांगो अपने किए की, उसके बाद सोचना मेरी दस्तबोसी का।
भाई हम तैयार हैं, सिपाही आपके मुंतजिर हैं। शुक्रिया अब्दुल रहमान। अर्तुरुल के बारे में हमने काफी मालूमात हासिल कर ली है, अब हमें चलना चाहिए। चलो सिपाहियों। मंगोल कबीले आए थे, उन्होंने महसूलात दुगने कर दिए हैं। बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। एक अच्छी खबर और है, अर्तुरुल ने कबीले आने वाले मंगोल का हाथ काट दिया। अर्तुरुल ने मुसीबत को दावत दी है, मंगोल उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब अर्तुरुल जब मंगोलों से नबर्दाश्मा हो तो तुम ताजरों को उकसाना शुरू कर देना। जैसा आपका हुक्म जनाब। दियोक्लेस और उसकी बेटियों को बचाने वाला अर्तुरुल का बेटा उस्मान है, और उस्मान को इलबिल के नामी खातून ने बचाया था। चुबानुलार कबीले से सूद सामान खरीदने आई थी। दियोक्लेस और उसकी बेटियां अभी भी काई कबीले में हैं। दियोक्लेस को हमें हर सूरत खत्म करना है। तुम सामान खरीदने के लिए अक्सर कबीले जाते हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप कैसे उन्हें खत्म करवाना चाहते हैं? गौर से सुनो मेरी बात। ये बकरियां दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं साहब जी, आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। बकरियों की इस बीमारी की अलामत क्या है आर्तुक साहब? ये देखो साहब जी, इनकी आंखें खून आलूद हैं और मुंह से राल बह रही है।
खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है इन्होंने। ये सरसाम की बीमारी है आर्तुक साहब। ये एक ही जगह से घास चरती हैं। मुमकिन है कि यह बीमारी घास में मौजूद हो। तो फिर हम इनका फौरन इलाज शुरू करते हैं, ताखिर नहीं होनी चाहिए। चलो चलते हैं, आ जाओ। शामदीद बेटी। शुक्रिया बाबा। क्या तुम अर्तुरुल और सऊद के बारे में मालूमात लेकर आई हो? जी लाई हूं, बहुत कुछ है बताने को। मतलब सऊद का बाजार हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। और अर्तुरुल वो कैसा आदमी है? वो बहुत दिलेर है बाबा। उसका कबीला, अतराफ के कबाइल और रोमी सब उसके वफादार हैं। सऊद में रहने वाले ईसाई अपने बादशाह के हुक्म के बजाय उसके हुक्म को तरजीह देते हैं। उसकी हर बात पर सरे तस्लीम खम करते हैं। उसने उनकी वफादारी अपनी तलवार से हासिल नहीं की, बल्कि अपने इंसाफ से की है। तो उसका कोनिया जाना हमारे हक में बेहतर साबित होगा यकीनन। जब वो लौटेगा तो उसे एक मुख्तलिफ सूद मिलेगा। हो सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है। जी सरदार, कर दिया है। तुमने मेरे भाई का हाथ काटा था, मर गया है मेरा भाई। अब दिखाओ हमें अपनी बहादुरी। भाई का कटा हाथ देखकर भी अकल नहीं आई तुम्हें? अब तुम्हारा अकल से खाली सर काटकर
अपनी बहादुरी दिखाऊंगा तुम्हें। मैं अपने भाई का इंतकाम जरूर लूंगा। उसका सोग तुम्हारा सर कलम करने के बाद ही मनाऊंगा मैं। हमला करो सिपाहियों। मैंने कहा था ना कि मैं अपने भाई का इंतकाम जरूर लूंगा। अब मैं पहले तुम्हें और फिर तुम्हारे प्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा।
क्या हो रहा है वालिदा? ये कौन लोग आ रहे हैं? आने दो बेटी, देखते हैं। अरे ये तो हिलबिल के खातून है, मगर इनके साथ ये कौन लोग हैं? ये अपने कबीले के साथ ही आ रही है। ये अपने कबीले के साथ ही आ रही है। हिलबिल के खातून, हिलबिल के खातून आई है, हिलबिल के खातून आई है, हिलबिल के खातून, हिलबिल के खातून। खुश आमदीद हिलबिल के खातून। दादी, हिलबिल के खातून आई है। खुश आमदीद हिलबिल के खातून। खुश आमदीद बेटी। इस बार मैं अपने बाबा के साथ आई हूँ हाय मखातून। खुश आमदीद। मेहमानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? मैं यहां मेहमान नहीं बल्कि रियासत की तरफ से महसूल वसूल करने आया हूं। नाम है उमूर सरदार, उमूर उलार कबीले का सरदार हूं मैं। ये मंगोल कमांडर है। भाई के पास तो तीर थे ही नहीं, तो फिर ये किसने किया? भाई कोई तो जवाब दो, अगर ये मर गया है तो भाई कहां है? ये तीर किसके है आखिर? उमूर उलार से? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम चुबानुलार कबीले से हो। क्या आप अब भी नहीं समझी दादी? इनके बाबा अमूर सरदार ने अपनी बेटी को हमारे कबीले में मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था। ये तीर किसके है आखिर? मुझे नहीं मालूम बमसी, लेकिन भाई को ढूंढे बगैर हम यहां से नहीं जाएंगे, समझ गए? चलो सिपाहियों, चलो 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 भाइयों। Thank you.
अब हम आपके औताक में बैठकर हिसाब किताब करेंगे कि आपको हमें कितना महसूल अदा करना है। चलिए अंदर चलते हैं। औताक में सरदार की इज्जत करने वाले जाते हैं, वहां रियाकार लोगों की कोई जगह नहीं। जहां तक महसूलात का ताल्लुक है तो वो अर्तुरुल सरदार की जिम्मेदारी है, उनकी गैर मौजूदगी में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारे सरदार ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं कई सालों से। हमें जो कहना था कह चुके, आप यहां से जा सकते हैं। खबर का इंतजार कीजिए हमारी जानिब से। अर्तुरुल सरदार जो मुनासिब हुआ वो करेंगे, फिर उस वक्त आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करके कोनिया लौट सकते हैं। मैं अपने कबीले के साथ इस जमीन पर सुकूनत इख्तियार करने आया हूं। कौन है आप लोग? तुम्हारी मंजिल क्या है? सोने का सेब है मंजिल। इस बार आप हमारे लिए कोई मेहमान नहीं है, बल्कि हम में से एक हैं अर्तुरुल सरदार। आज से 9 नंबर की यह नशिस्त आपकी है। हाइमा खातून, आपको मालूम होना चाहिए इस जमीन पर हमारा भी हक है। आप बेफिक्र रहें उमर सरदार, आपको अपना कबीला बसाने के लिए जमीन अर्तुरुल सरदार दिखाएंगे और तब तक आपको उनके लौटने का इंतजार करना होगा। अर्तुरुल कौन होता है? हम यहाँ रियासत के हुक्म से आए हैं हाइमा खातून, क्यों नहीं समझ रही आप? गुंदूस सिपाही। गुंदूस भाई, हाथ में रहो अपनी, वरना तुम सबकी और तुम्हारी इस दोगली बेटी की लाशें जाएंगी यहां से। भाई, बहुत खूब मेरे भाइयों, अर्तुरुल के बेटे गुंदूस को शामिल करके अच्छा किया। उसके बेटे की वजह से अर्तुरुल की साख बुरी तरह मुतासिर हुई है। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। गुंदूस इन हरकतों की वजह से अपने बाप को तबाह बर्बाद कर देगा।
तुमने इस नेक मकसद के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं कमांडर ड्रैगोस। बहुत खूब, नेकिया और कुस्तुनतुनिया के लोगों को तिजारत खत्म करने का कहो। अर्तुरुल ने ताजरों पर जुल्म किया, हर एक को बताओ। अब जाओ और जाकर थोड़ा आराम कर लो तुम लोग। जो हुक्म आपका। काराबेला, आओ खड़े हो जाओ। थियो काई कबीले में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, आपके हुक्म के मुताबिक थियोक्लस को वो जल्द खत्म कर देगा। और हमारा हर राज भी उस थियोक्लस जासूस के साथ जमीन में दफन हो जाएगा। आप इस मकाम की अहलियत रखते हैं, हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और आज के बाद आपकी मौजूदगी हमें और भी मजबूत कर देगी। ये मकाम अजल से लेकर अबद तक निजामे इलाही की खातिर काम करने के लिए मुख्तस है। मुझे इस मकाम के काबिल बनाने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। परवरदिगार मुझे इसका हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन। सोने की ये कमान और चांदी के ये तीर ओज खानदान के फाते होने की अलामत है, और इसके लिए सबसे मौजू अफराद आप और आपकी नस्लें हैं। अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को बेशुमार फतूहात अता करे। ये अलामतें अब आपकी मिल्कियत हैं। बेशक अल्लाह के निजाम को इस जहान में फैलाने की जिम्मेदारी हमें वदियत हुई है। फैसला कुन फतह का हकदार सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक है। जहान की फतह की अलामत सोने की इस कमान और इन तीन चांदी के तीरों की तरह हमारा अगला हदफ मजीद समंदर और दरियाओं तक रसाई हासिल करना है। ता वक्ते के हम सोने के सेब तक न पहुंच जाएं। आपकी इत्तला के लिए सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोलों की शोरिश से निमटने के लिए एक खुफिया तंजीम तश्कील दी थी। इस खुफिया तंजीम में शामिल होने वाले बहादुरों के नाम की फहरिस्त, खुफिया मुलाकात के मकामात और मंगोलों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए भेजे गए हमारे तमाम जासूसों के नाम एक एक तफसील तहरीर में महफूज है, और उसके बाद उसे एक संदूक में खुफिया मकाम पर महफूज कर दिया गया है। याद रहे कि उस कीमती संदूक में तुर्कों की रियासत को मजीद मजबूत बनाने के लिए सरदारों के, आहियों के और रियासती अरकान के नामों की फहरिस्त और जिम्मेदारियों की तफसील मौजूद है। बदकिस्मती से उस खुफिया मकाम के बारे में और उस संदूक में रखी मालूमात का मंगोलों को इल्म हो गया है, और मंगोलों ने उस जगह के जिम्मेदार रियासत के अरकान को कत्ल कर डाला। यह बहुत बड़ा फितना है, रोकना होगा इसे। यह बर्बादी है, हर हाल में रोकना होगा इसे।
बाबा ने बहुत मेहनत से अपना खून पसीना बहाकर सऊद को आबाद किया है। हम आपके गुस्से की वजह से इसे तबाह नहीं कर सकते। हर शख्स से महसूल का एक एक सिक्का वसूल करेंगे। अगर कोई खिलाफ गया तो हम जानते हैं उसके साथ क्या करना है। बेहतर होगा कि इस घंटे वाले की बात मान ले और कुंदूस साहब से दूर रहे। मेरी अमीर बहाउद्दीन से मुलाकात के दौरान तुम लोग वहां पहुंचकर उस संदूक को हासिल करके अपनी हिफाजत में लोगे।